गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने पीछे जो आपका लेसन सेकंड है जिसका नाम है आखेट खाद्य श्रृंखला से भोजन उत्पादन तक, लास्ट पॉइंट अपना था खेत और पशुपालन की शुरुआत, ये हम लास्ट पॉइंट किया था। अब आप अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है एक नवीन जीवन शैली, जिसमें अनाज के उत्पादन की प्रक्रिया, अनाज के भंडारण की प्रक्रिया के बारे में बताया है। तो इसमें चार टॉपिक दिए हुए हैं। पहला ये जो पॉइंट है, इसमें पहले पॉइंट को देखो आप, एक नवीन जीवन शैली, पिछली कक्षा में हमने बताया था कि पाषाण काल के तीन प्रकार बताए हैं। पाषाण काल के आधार पर मतलब वो लोग शिकार करते थे या उनका संग्रहण करते थे, वो किस प्रकार से था। जैसे कि 12,000 वर्ष के बाद में, 12,000 साल के बाद में जलवायु परिवर्तन के कारण उनका रहन सहन आदि, मानव का रहन सहन था वो परिवर्तित हुआ, तो उन्होंने खेती के ऊपर और जानवरों को पालने से संबंधित प्रक्रिया को शुरू किया। तो यहाँ पर जो बीज उत्पादन है उसके चार प्रकार दिए हैं, जैसे कि उन्होंने बीजों को पहचाना, फिर उसको खाद्य के रूप में संग्रहित किया, फिर उन्होंने उसको मतलब नए रूप में कैसे पैदावार करनी है उसके रूप में किया, फिर भंडारण के रूप में रखा। तो ये पॉइंट इसमें दिए हैं, तो एक बार देखो आप, इसमें दिया है जैसे कि कोई भी बीज है कुछ दिन महीने या फिर साल उसको संजोकर रखने लगते हैं, इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उसको देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। यानी कि जो 12,000 साल पहले पाषाण काल में जो जलवायु परिवर्तित हुई थी, घास के मैदान बनने लगे थे, तो उस समय मैदानों में जो शिकार है वो आसानी से मिल जाता था, लेकिन शिकार भी एक सीमित दायरे तक ही था। तो उन्होंने उन जानवरों में से ऐसे जानवर भी पहचाने जो पाल सके, और वो जो घास है उनमें से उन्होंने ऐसे बीजों को पहचाना जो उनके खाने में काम में लिए जा सके। तो वो जो पैदावार करते थे तो वो बीजों की पहचान करते, फिर उसको वहाँ पर बुआई करते तो उसमें समय लगता है, समय लगने के कारण उनको वहीं पर ठहराव हो गया, रहना पड़ता था। तो उनकी जो बसावट है या रहने की जो प्रक्रिया है वो यहीं से ही प्रारंभ होती है। तो ये क्या क्या काम करते थे, जैसे कि बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने यानी कि जो घास एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती थी उसको हटाने, जानवरों और चिड़ियों की सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था, क्योंकि वो उनके खाद्य के रूप में थी, तो भंडारण करना भी उनके लिए बहुत ज़रूरी हो गया था आदि मानव के लिए। अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। ये जो पुरातात्विक जो खनन के माध्यम से इन चीज़ों का साक्ष्य प्रमाण मिला है, जैसे कि बर्तन बनाए, उनमें बीज रखे उन्होंने और उन बीजों के साक्ष्य आज भी प्रमाणित रूप से मिले हैं। फिर उन्होंने गड्ढे भी बनाए, टोकरियां बनाई, उनमें भंडारण किया है, ये भंडारण भोजन भंडारण करने का एक तरीका था। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट आता है दूसरा, जिसमें है जानवर। जो जानवर है वो एक प्रकार से उनके खाद्य भंडार ही थे, जैसे कि पालतू जानवर है वो उनमें जो दूध उत्पादित करते थे उनसे मांस प्राप्त करते थे या अन्य प्रकार की आवश्यकताएं करते थे। तो जो मांस की मतलब जानवरों की जो प्रक्रिया थी वो एक प्रजनन प्रक्रिया के आधार पर पैदावार थी, जैसे कृषि को पैदा किया जाता है उसी प्रकार से जानवर भी एक प्रकार से प्रजनन के माध्यम से उनकी संख्या बढ़ती थी, जो आदि मानव के भोजन की एक श्रृंखला थी और भंडारण भी था। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट आता है कृषकों और पशुपालकों के बारे में और क्या जानकारी है वो है। तो इसमें दिया है कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी, पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जो तथ्य है वो है कि अनाज है उनके जलने के जो साक्ष्य हैं वो भी मिले हैं,
या तो उन्होंने अनाज को जलाया है या किसी कारणवश वह अनाज जला है, तो उपमहाद्वीप में इसी आधार पर फसलों के और बीजों का प्रमाण मिलता है। जानवरों के अलग अलग जानवरों की हड्डियां मिली है, तो उनसे पता चला है कि कौन कौन से जानवर वहाँ उस समय पाए जाते थे। फिर इसके बाद में है स्थानीय जीवन और उनका रहन सहन। तो इस टॉपिक में है कि जो आदि मानव है वो कृषि करने लगा, फिर जानवरों का शिकार स्थायी रूप से करने लगा, पशुओं को पालने लगा। तो उस आधार पर सबसे पहले कश्मीर के जो इलाके हैं वहाँ पर रहना इन्होंने शुरू किया। तो इनकी जो रहने की प्रक्रिया थी वो गड्ढों के अंदर रहा करते थे, जिस प्रकार से आज जानवर जो मतलब गड्ढे खोद लेते हैं और अपना रहन सहन करते हैं, उसी प्रकार से आदि मानव क्या है जो ऊंचे इलाके थे वहाँ पर जाकर गड्ढे बनाकर उन गड्ढों में रहा करते थे, जो उस समय की जो ठंड थी, यानी कश्मीर का इलाका है उसमें ठंड थी, उससे बचने के लिए उन इलाकों में रहते थे। जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर झोपड़ियाँ बनाकर उन्होंने सीख लिया था कि झोपड़ी कैसे बनती है, तो झोपड़ियाँ बनाकर वो वहाँ पर रहते थे। और उन्होंने अग्नि का आविष्कार कर लिया, तो वो ठंडे इलाकों में आग जलाकर भी रहते थे, खाना पकाते थे। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट है आपका कि जो पाषाण काल है, उन पाषाण काल में जो तराशे हुए जो औजार हैं उनकी जो बनावट है वो किस प्रकार से तैयार करते थे वो दिया हुआ है इसमें। तो हजारों साल पहले जो नवपाषाण काल है, जो हमने तीन पॉइंट कल पढ़े थे, उन पॉइंटों में जो लास्ट का पॉइंट है वो रह गया था कि नवपाषाण काल में किस प्रकार के औजार थे। तो उनकी जो बनावट थी वो शेप में थी, उनको तराशने के लिए मतलब ऐसे औजार उन्होंने बना रखे थे कि औजार बनाए और उनको कैसे पैना किया जाए ऐसे भी औजार उन्होंने विकसित किए थे, और हड्डियों को भी उन्होंने औजार के रूप में प्रयोग किया था। तो ये पॉइंट हैं, ये आप ध्यान से देखें। एक बार मैं आपको इसमें पढ़ के बता देता हूँ, जैसे कि इसमें दिया है नवपाषाण युग का माना जाता है कि वे औजार भी हैं जिनके धार की ओर अधिक पैना करने के लिए पॉलिश चढ़ाई जाती थी, ओखली मुसल का प्रयोग अनाज व वनस्पति के प्राप्त कर चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। इसी तरह प्राचीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है, कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। फिर आप पेज नंबर 20 पे देखेंगे कि उस समय के जो बर्तन हैं उनकी जो शेप है आज भी वैसे ही बर्तन बनाए जाते हैं। तो नवपाषाण काल के पुरास्थलों में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कभी कभी इन पर अलंकरण यानी कि चित्रकला यानी कि चित्र भी मिले बने हुए मिले हैं। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था, धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे, जैसे कि चावल है, गेहूँ है, दाल है और अन्य प्रकार की भोजन सामग्री है वो बर्तनों में पकाने लगे थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे, उसके लिए कपास के आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। ऐसी बात नहीं है, एक तरह जहाँ कई जगहों के स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रहण का काम करते थे, वहीं अन्य लोग ने हजारों सालों में दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह तो लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीवन जीना चलाना शुरू कर दिया था, यानी कि जो फसल है फसल के अंदर जो मौसम के अकॉर्डिंग फसलों का चयन हुआ था कि किस मौसम में कौन से बीज बोने चाहिए और किस मौसम में नहीं बोने चाहिए, उस आधार पर और अनुकूलता के आधार पर, जैसे कि गर्म इलाके हैं वहाँ पर किस प्रकार का रहन सहन होना चाहिए, ठंडे इलाके हैं वहाँ पर किस प्रकार का रहन सहन होना चाहिए, तो ये नवपाषाण काल के बाद में ही विकसित हुआ था। अब इसके बाद में जो सूक्ष्म साक्ष्य हैं वो कहाँ कहाँ पर उत्खनन के माध्यम से मिले हैं वो आपको हम जो नेक्स्ट कक्षा है उसमें करवाएंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर करवा दिए जाएंगे। इस आधार पर आपका ये लेसन एक अध्ययन करें। धन्यवाद।